आज हम सीखेंगे एमएस ऑफिस वर्ड में रसीद बनाना। रसीद किस तरीके से बनाया जाता है एमएस ऑफिस वर्ड में, वो भी सेप्स और टेबल के माध्यम से। तो देख लीजिएगा, आपके सामने है एक रसीद, आप देख सकते हैं। इसी रसीद को डिज़ाइन करना है एमएस ऑफिस वर्ड में। तो कैसे बनेगा, आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जो कि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप। दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेज लेंगे, मतलब नया पेज। तो नया पेज लेने के लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल एन, आपको एक नया पेज मिल जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद पेज की जो साइज होगी, हम चाहेंगे यहाँ पे पेज लेआउट, और यहाँ से पेज की साइज हम सेट कर लेंगे। ठीक है, एक कोई भी एक पेज ले लेते हैं। बहरहाल आप डिज़ाइन जब भी क्रिएट करिए तो पेज अपने हिसाब से, यहाँ से जहाँ पे लिखा है मोर पेपर साइज, यहाँ पे क्लिक करके इसे आप अपने इच्छानुसार सेट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल यहाँ फीड करना चाहते हैं तो मैनुअल भी फीड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे ओके। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हैं हमने पेज की मार्जिन नैरो कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे एक टेबल लेना है। ठीक है, टेबल किस तरीके से होना चाहिए, हमने यहाँ पे कितना कॉलम्स ले रखा है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स हमारे पास होना चाहिए और रो हमारे पास होना चाहिए 4। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें अपने पेज पे आना है, यहाँ पे जिस पे हमें काम करना है। जाएंगे इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आप चले जाइएगा टेबल में। ठीक है, टेबल में आने के बाद यहाँ से आपको 5 कॉलम्स और 4 रो ले लेना है। ठीक है, उसके बाद एंटर कर देना है। यहाँ पे आपके सामने आपका जो पेज है, पेज पे आपका टेबल इंसर्ट हो गया है। अगर आप इसमें रूलर बार शो करा लेते हैं थोड़ा सा आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। हाँ, देख लीजिएगा इस तरीके से। अब इसे हम व्यवस्थित कर लेंगे कि इसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ठीक, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक ऐड करेंगे, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके आप एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आइएगा लेकर, ऐसे एंटर प्रेस ही करना है आपको। एंटर प्रेस कर करके इसको नीचे लेके आना है, और यहाँ पे आपको फिर एंटर लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ सेल्स को मुझे मर्ज करना है, रो को मर्ज करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डिज़ाइन मेन्यू में, सॉरी लेआउट मेन्यू में, और यहाँ से इसे कर देना है मर्ज। देखिएगा, एरिया आपका मर्ज हो गया। ठीक, हमें ये पूरा का पूरा मर्ज चाहिए, तो पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसे मर्ज कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हिंदी में जो भी लिखना है मुझे हिंदी में लिखना है। तो पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे आप। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाएंगे और इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप ऐड करना चाहते हैं आप इसे ऐसे ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे राजफंट ले लिया 9। ठीक, अब मुझे यहाँ पे लिखना है क्रमांक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रमांक। ठीक है, क्रमांक का आप अगर मान लीजिए कोड के द्वारा लिखेंगे तो होगा आपका L0216। ठीक है, एक क्रमांक लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए बीच में, हाँ एक बात और, इसको सेंटर कर लीजिएगा, सेलेक्ट करके इसे सेंटर में सेट कर लीजिएगा। और अब आपको यहाँ पे बीच में क्या लिखना है, तो बीच में लिखना रहेगा, ठीक है, आइटम जिसमें आप लिखेंगे, जिसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर बोलते हैं। तो पार्टिकुलर में क्या लिखना रहेगा हमें, यहाँ पे जैसे हमारे हमारा हो गया यहाँ पे क्रमांक, तो क्रमांक यहाँ पे हो गया। तो सेकंड वाला जो हमारा कॉलम्स है उसमें हम क्या लिखेंगे, विवरण लिखेंगे, जिसको हम इंग्लिश में पार्टिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विवरण, विवरण हो गया। ठीक है, ये लिखिएगा आप कंट्रोल जेड के इसे सही कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, विवरण। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले जो कॉलम्स में हम लिखेंगे वहाँ पे नग। ठीक है, तो यहाँ पे नग लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम्स में लिखेंगे हम दर, रेट क्या है, और नग हो गया, अमाउंट हो गया, क्वांटिटी हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे उसकी रकम, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे रकम। ठीक है, लिखने के बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल।
ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है जिसको हमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या योग, ठीक है, टोटल आपका अमाउंट कितना हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे हम योग। ठीक, इतना लिखने के बाद हम नीचे विवरण में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ समझ लीजिए हमारे यहाँ नोट लिखेंगे हम, तो नोट के थोड़ा साइज़ हम कम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नोट थोड़ा छोटे में होना चाहिए, तो यहाँ से साइज़ से छोटा कर लीजिएगा और आपने यहाँ लिख दिया नोट। अब नोट में आपको क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने कर दिया हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ चाय, ठीक, समोसा सामान उचित मूल्य पर, मूल्य पर उपलब्ध है, उपलब्ध है, ठीक है। या मुझे हस्ताक्षर भी लिखना है तो हस्ताक्षर भी लिख सकते हैं ऐसे टैब दबा के, सॉरी, आपको ऐसे स्पेस लगाकर यहाँ लिख देना हस्ताक्षर, ठीक है। हाँ, या तो उसके बाद क्या करो, आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ऐसे थोड़ा सा अरेंज सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है और इंसर्ट टैब पे जाकर यहाँ से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ पे आपको इसे ला के यहाँ पे रख देना है। ठीक, रखने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना, तो लिखना है हस्ताक्षर, ठीक है, तो हस्ताक्षर यहाँ हो गया, ठीक, इसे आप एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ कर देंगे हम नो फील और ये हो जाएगा हमारा नो आउटलाइन फील, मतलब पूरा का पूरा रिमूव हो गया। अब हम ऊपर के डिज़ाइन करेंगे, हमारे ये तो क्रिएट हो गया हमारा, अब ऊपर के डिज़ाइन करेंगे, तो ऊपर डिज़ाइन करने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे जाना होगा और यहाँ मिल जाएगा सैप्स, सैप्स को यहाँ से आपको ऐसे ट्रैक कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सैप्स आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई भी कलर दे देना है, जो भी कलर आप देना चाहते हैं, ब्लैक देना है तो ब्लैक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपको जाना पड़ेगा सैप्स एडिट में और यहाँ कर देंगे एडिट पॉइंट। अब इसे अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी आपको एडजस्ट करना है एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कम करना कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे इसे डाउन करना डाउन कर लीजिए और एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ई पॉइंट आपको ऊपर लेके जाना, तो ऊपर लेके चले जाइए, ये देखिए, ठीक, थोड़ा सा डाउन करना है तो इसे आप डाउन यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, तो जैसे भी आपको बेहतर लगे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और ए वाला जो पॉइंट हमारा है इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे डाउन कर लिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर लिया, अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब मान लीजिए मुझे कुछ और एडिट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके सी ट्रैक डुप्लीकेट बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कोई भी एक कलर दे दीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ से दे दिया ए वाला कलर, ठीक है, और सेंड टू बैक, तो बैक करने के लिए यहाँ से आप बैक कर सकते हैं, देखिए बैक हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ठीक, ऐसे ऊपर, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा डाउन, और इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसी पे और चले आएंगे फॉर्मेट सेल्स में, और यहाँ से जैसे भी आपको फॉर्मेटिंग करना है आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे हमें ट्रांसपेरेंटी करना है तो ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, ये देखिए, ठीक, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए तो वो आप आउट नो फील पे, सॉरी, हाँ फील तो मुझे देना ही देना है, बहरहाल मुझे आउटलाइन पे जाना है तो आउटलाइन की सेटिंग मुझे चेंज कर देना है, ठीक है, वो कैसे करेंगे हम मैं बता रहा हूँ, आप चाहिए यहाँ पे साइड और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, ये देखिए इफेक्ट आ गया ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का इफेक्ट डालेंगे आप, ये देखिए, ठीक, कलर में आइए, फिर मुझे ट्रांसपेरेंट का सेटिंग करना है, यहाँ पे कर दें नो फील, कलर मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ पे आप फील में फिर जाएंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देंगे कम, ये देखिए इस तरीके से इफेक्ट बहुत हल्का होना चाहिए, ठीक है, कलर चेंज करेंगे तो पता चलेगा, कलर आप चेंज नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, देख लीजिए हम कलर चेंज करके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे भी आपको लगे कि हाँ ये बेहतर है वैसे आप यहाँ से सेट कर लीजिए, ठीक, इसका भी कलर आउटलाइन नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे यहाँ पे नो आउटलाइन, ये हट गया। अब हमें यहाँ पे लिखना है, जो भी आपको लिखना है,
तो लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब, और चले जाएंगे आप वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक स्टाइल ले लीजिए, मान लीजिए हमने ये ले लिया, और इसे मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना, मुझे हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो कंट्रोल ई करिएगा और आप चलेगा होम टैब पे, और यहाँ मिल जाएगा आपको फॉन्ट, ठीक है। कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, तो मान लीजिए कोई भी एक फॉन्ट ले लीजिएगा, जैसे भी आपको बेहतर लगे, ये फॉन्ट अच्छा है तो ये फॉन्ट, नहीं तो ये फॉन्ट। हाँ, अगर जिस भी जिनको भी मान लीजिए अगर आपको फॉन्ट चाहिए राज फॉन्ट, ठीक है, अगर राज फॉन्ट चाहिए तो आप राज फॉन्ट हमसे ले सकते हैं। आप हमारे पास मेल करिए या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन करके आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके मेल आईडी पे ये फॉन्ट आपको मिल जाएगा, या जिस भी फॉर्मेट की आवश्यकता हो आप वहाँ से रिसीव करके आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेल कर सकते हैं, या मान लीजिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। मतलब हमारे हिसाब से जैसे भी हेल्प रहेगा हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने के लिए। और हमारी वेबसाइट भी है एक NIC कंप्यूटर से, आप वहाँ विजिट होके फ्री में नोट्स अपलोड कर सकते हैं, फ्री में आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारी एक ऐप भी है NIC कंप्यूटर स्किल के नाम से, आप वहाँ भी ज्वाइन होकर क्लास अटेंड कर सकते हैं। बहरहाल मुझे यहाँ पे लिखना है संदीप, ठीक है। तो संदीप होटल, ठीक है, ये हमारा रहेगा, और इसे हम कंप्लीट करेंगे, तो लाएंगे यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। कलर कौन सा होना चाहिए, तो वाइट होना चाहिए, तो आप इसे वाइट कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब कलर कैसे करना, सेलेक्ट करना है आपको, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना फॉर्मेट में, और यहाँ पे कलर मेरा होना चाहिए वाइट, तो आप यहाँ से वाइट कलर चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। साइड इफेक्ट नहीं चाहिए अगर हमें, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से कर देंगे नन, नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो आप यहाँ से नॉर्मल ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए हो गया संदीप होटल हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक लोगो लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे जाना होगा, और यहाँ से एक सेप्स ले लेना है कोई भी, और कंट्रोल को होल्ड करके आप शिफ्ट को होल्ड करके ऐसे ड्रैग कर लीजिए, और ड्रैग करने के बाद जहाँ भी आपको व्यवस्थित करना है वहाँ सेट करिए, और सेप्स फील्ड में चले जाइए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिक्चर्स, पिक्चर में जाने के बाद अब इस तरीके से पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको जाना है वर्क ऑफलाइन, यहाँ क्लिक करना है। अब लोगो आपका कहाँ पे है, तो डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे जहाँ भी हमारा लोगो रहेगा, ये हमारा ऐड हो गया। अब मुझे इस लोगो का आउटलाइन नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, और यहाँ से सेप्स आउटलाइन फिल कर देना है, नो फिल, ये देखिए हट जाएगा आपका। यहाँ तक तो मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आउटलाइन इसकी नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कर देना है नो आउटलाइन, ठीक है, हट जाएगा। अब मुझे यहाँ पे विवरण लिखने से नेम हुआ, एड्रेस हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, दिनांक हुआ, ये सारा कुछ, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब, यहाँ मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ मिल जाएगा आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और इसे ट्रैक कर लेना इस तरीके से, ठीक है, ये ध्यान देना आपको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद अब हमें इसमें नाम लिखना है, जैसे मतलब हमने यहाँ कर दिया क्रमांक, ठीक है जी। अब मुझे इसे हिंदी में लिखना है, तो उसके लिए आपको हिंदी सेटिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी करना है, यहाँ आना है कंट्रोल वी कर लेना है, ठीक है। अब फॉन्ट के साइज थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ क्रमांक, उसके बाद संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे दिनांक, तो दिनांक यहाँ लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हमने कर दिया दिनांक, ठीक है, फिर डॉटेड लगा देंगे, उसके बाद हम एंटर लगाएंगे, और यहाँ मुझे चाहिए नेम, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे यहाँ पे नाम। तो नाम के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया डॉटर लगा दिया, ठीक, ऐसे आप डॉट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसमें मोबाइल नंबर भी ऐड कर दें हम, तो मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं ऐसे, थोड़े से कॉपी, थोड़ा सा आप पेस्ट कर देंगे, ठीक, इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे चाहिए पता, तो आप यहाँ पता कर सकते हैं, पता के लिए भी आप इस हिसाब से सेट कर लीजिए, और ऊपर जाइए इसे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा एरिया और सिलेक्शन करिए, कंट्रोल सी कॉपी कर लीजिए, और यहाँ कर दीजिए पेस्ट, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक। एडजस्ट कैसे करेंगे हम, मान लीजिए एडजस्ट का मतलब इसका आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, देखिएगा फॉर्मेट तब खुलता है जब आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके फॉर्मेट से जाएंगे, और यहाँ पे कर देना मुझे नो फील,
या नो फील हो जाएगा। और यहाँ सैप्स आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए तो कर देंगे नोस आउटलाइन। देखिए अभी हमारा एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम क्रमांक संख्या, यहाँ पे दिनांक और नेम पता एड्रेस ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा हम डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और सेटिंग कर लें, सेटिंग का मतलब क्या, थोड़ा सा हम डाउन कर लेते हैं, तो अब जाएंगे सेलेक्ट में और यहाँ मिल जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप अगर डाउन करना चाहते हैं तो डाउन कर सकते हैं, ठीक। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे चाहिए एड्रेस, ठीक। तो एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस कहाँ से देंगे, उसके लिए आपको फिर टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए इंसर्ट टैब और चले जाएंगे आप टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे प्रो दे देते हैं, नेम जिसके नाम से आपका शॉप चल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। हाँ, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, डाउनलोड करके आप फिर अपने हिसाब से सुधार कर सकते हैं, आप अपने होटल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तुमने यहाँ प्रो दे दिया, ठीक है। तो हमने प्रो दे दिया यहाँ पे, कौन प्रो हमारे हैं, संदीप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे संदीप को ऐड किया, संदीप कुमार, ठीक है, कुमार। और साइज़ थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट से, और फिर हम इंटर मारेंगे। अगर यहाँ पे आप स्पेस लगा, आप कंट्रोल ई करिएगा, इसकी स्पेसिंग कम कर दीजिएगा, दो लाइन के बीच की जो दूरी है इसे कम कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यहाँ जाएंगे। फिर यहाँ मुझे मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो मोबाइल नंबर ऐड करना है तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक बार इंटर लगाएंगे, ठीक। मोबाइल नंबर, तो जो भी इनका मोबाइल नंबर रहेगा आप दे दीजिएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 900 ऐड कर दिया, उसके बाद जो भी जो रहेगा आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर आपका रहेगा। और मुझे आउटलाइन इसे फिर सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, नो फील और नो आउटलाइन, ठीक। कलर देना मुझे कंट्रोल ई करके, कौन सा कलर, वाइट। तो होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे मुझे वाइट कलर ऐड कर देना, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे नाम लिख के आ गया। अब हमें यहाँ पे एड्रेस भी ऐड करना है, तो किस एड्रेस पे है ये तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डुप्लीकेट ऐड करेंगे, ठीक। कंट्रोल ए मतलब जो लिखा हुआ मैटर है उसको मुझे ब्लैक में करना है, क्योंकि अब मुझे वाइट स्थिति पे लिखना है, तो यहाँ पे ब्लैक हो गया। और इसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रैग करेंगे, और अब हम लिखेंगे पता, ठीक है। तो पता लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, पता लिखने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा था ना रोड धनघटा, संत कबीर नगर, ठीक है। पता आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ये देखिए ऐड हो गया हमारा, पता भी हमारा हो गया, और यहाँ पे उनका डिटेल्स फील हो गया, और ए आपका हो गया एड्रेस, ठीक। और इसमें जो भी मेंशन करना आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे थोड़ा सा हेडिंग को भी मेंशन करना, सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे कलर कोई भी एक दे दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं डिज़ाइन से जाकर, या जो भी कलर आप देना चाहते हैं ऐसे आप हल्का कलर दे सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। और ए आपका बिल हो गया तैयार, ये देखिए, ठीक। बिल आप की साइज छोटी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए पेज की। और ये आपका तैयार हो गया, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे हमारी पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जो नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।